छोटी बच्ची हो क्या? अरे मैया, तू तो देख लियो। तो ये आई थिंक छोटा है, चलो जाने दो। चलो तेरे को छोड़ दिया बेटा, चल जी ले अपनी जिंदगी। इतनी खुशी कोई भी शिप अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। बाबा रे बाबा, देवा रे देवा, दैवी प्रसाद, तू तो गया रे देवा। तो ये वो तेरी। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के, स्वागत है फिर से मोहित थिंग्स पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आयो एक बढ़िया सी सीरीज जिसका नाम है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। ये पी तो ठीक है, मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। तो ये मुझे कहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, तो अभी जगह तो अच्छी लग रही है। तो आजू बाजू ढूंढते हैं शिप। तो शिप और मेरे को वुड चाहिए, बिकॉज कि मेरे को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम अभी निकल बाहर जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लकड़ी इकट्ठी करके मुझे बेड बनाना रहेगा, तो बेड बना के मैं मेरा रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर सकूं। तो उसके लिए पहले लकड़ी तो चाहिए ही चाहिए, ये मेन रिसोर्सेज है इस गेम के। तो गाइस, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑलराइट, मैंने लकड़ियां तो इकट्ठा कर ली। अब मुझे वो क्राफ्टिंग टेबल बनानी रहेगी, तो मैं उसके लिए चलिए ये वाली भी कर देता हूँ। ये थोड़ी बहुत हमारे पास लकड़ी हो जाए तो मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए और थोड़ी और लकड़ी थोड़ी इकट्ठा मेरे पास रखनी पड़ेगी। तो चलिए, वुड इकट्ठी हो चुकी है। ऑलराइट, तो ये मैंने इसके लिए ब्लॉक बना दिए, क्या बोलते हैं उसको मेरे को पता नहीं, अभी मैं इसके लिए न्यू हूँ। तो ऑलराइट, तो ये मैंने तो मुझे इसके ब्लॉक बनाने रहेंगे आई थिंक। इसके मैंने नीचे रख दिए सबको, ये बने ब्लॉक। ये ब्लॉक चाहिए मेरे को क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए। तो ठीक है, इसके मैं चार और दो दो कर देता हूँ। तो ये वाले ब्लॉक और भी मेरे को चाहिए। तो ये कितने 12 हो चुके, नाइस। तो ये देखिए, क्राफ्टिंग टेबल तैयार हो चुकी है, नाइस, न्यू रेसिपी। अब ये मैं थोड़ी स्टिक बना देता हूँ, तो स्टिक यहाँ पे रख देता हूँ। अब थोड़ी और भी स्टिक बना देते, कोई नहीं, ज्यादा स्टिक होगी तो बहुत ही मजा आएगा। एक्स बैग सभी बना सकते हैं। तो चलिए, वो वुड वाली एक्स का तो ऊपर ऑप्शन आ चुका है। मैंने इकट्ठा की हुई लकड़ी वापस ले लेता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, यहाँ पे मैंने छोड़ दी थी गलती से। अब चलते आगे। अबे शिप ढूंढनी पड़ेगी, मेरे पास शिप है नहीं अभी। तो यहाँ पे तो गाइज नजारा बहुत ही अच्छा है। और ये क्या है, ये रैबिट है। रैबिट रुक जा, तेरी तो रुक जा, मेरा खाना है तू, रुक जा, मेरा भाई है तू, मेरा खाना है तू। अभी ये देखो इसकी स्पीड तो भाई कितनी बढ़िया है। ओह ठीक है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो मैं और भी लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूँ, मेरे पास लकड़ी का ढेर होना चाहिए, बिकॉज कि मैं शिप ना मिले तो मैं किसी अंधेरी जगह पे छुपूं। तो उसके लिए वुडन स्टिक या फिर वो वुड काम में आ जाए मेरे लिए। ये लगाया, अभी मैं बनाने वाला हूँ वुडन। तो अभी लकड़ी की कमी है, इसके लिए दिखाने रही है। आई थिंक मुझे और भी ब्लॉक बना लेने चाहिए, रखने में बहुत दिक्कत हो रही है भाई। आई थिंक इसका ऑप्शन दिखाने वाला है, क्योंकि ये वुडन एक्स हो चुकी है तैयार। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब तो गाइज शाम होने को है, रुको जरा, मेरे पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक अच्छी सी जगह पे जाके नीचे माइनिंग थोड़ी बहुत करने वाला हूँ। तो थोड़ी जगह के अंदर मैं छुप जाने वाला हूँ, बिकॉज की बाहर रहूंगा तो ज़ॉम्बी अटैक कर सकते हैं मेरे ऊपर। अच्छी बात कही आप। तो ये देखिए शाम हो चुकी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अब खोदना शुरू करता हूँ। और ये बर्फ हट गई, इसके अंदर से मैं छुपने की मेरी जगह अंदर सेट कर देता हूँ, शाबाश बेटा, ताकि ज़ॉम्बी मेरे को अभी मार ना सके। इसके लिए चलो एक्स निकाल लेते। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, वाव। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक तोड़ दिया है और सभी को तोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्राफ्टिंग टेबल लगाने वाला हूँ और इसके अंदर मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ। आई थिंक मेरी प्रायोरिटी रहेगी ये पत्थर वाली एक्स। तो ये बन गए पत्थर वाली एक्स, इस वाले के अंदर ओ मिल गई, नहीं अबे यार लीवर मिला है मेरे को लगा ये वो है। तो ये मैंने बना ली वो गैस या चूल्हा जो भी बोलते हैं उसको। तो ये भी बना दिया मैंने पकाने के लिए खाना बना। यहाँ पे वो निकाल देते आइटम और पकने के लिए कुछ रख देते हैं। तो इसके अंदर आई थिंक मैं पकने के लिए क्या रखूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो कोल बना सकता हूँ क्या, तो काम करता हूँ, पर नीचे स्टिक जलाता हूँ, ऊपर और ब्लॉक जलाऊ। तो आई थिंक वो गया, तो इससे मिलेगा हमको चारकोल। तो चारकोल मिलने के बाद मैं उस स्टिक और चारकोल से बना सकता हूँ वो क्या बोलते हैं वो मोमबत्ती जैसा कुछ। उसका यार मेरे को नाम अच्छे तरीके से नहीं आता, बिकॉज कि अभी नया हूँ इसलिए। ये इसको वहाँ यहाँ पे रख देता हूँ, 8-9 जलाने के लिए रखता हूँ। अब चारकोल मेरे को 8-9 मिलने वाले आई थिंक। तो एक तो मिल चुका है, तो इसको रख देते हैं।
दूसरा भी मिलने वाला है, वो देख रहे हो भाई, तो कितनी अच्छी लग रही है यार एनिमेशन माइनक्राफ्ट की। ओ वाओ, तो इसके अंदर भाई जो शेडर यूज करते हैं तो उससे भाई अच्छा लगता है, मजा आता है। तो ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आई थिंक मेरे को ये यहाँ पे रखनी पड़ेगी और नीचे स्टिक रखनी पड़ेगी। ओके, तो आई थिंक मेरे को वो मोमबत्ती मिल जाए तो ये यहाँ पे रखता हूँ। ओ नाइस, तो ये चार हमें मिल चुकी है, बढ़िया। अब इसको और ऊपर रखते, तो ये चार टॉर्च, तो इसको टॉर्च बोलने वाले, कोई बात नहीं, चलो इसको टॉर्च बोलते हैं। तो मेरे पास ये कितनी है, ओ नाइस 20 हो चुकी है आई थिंक। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ, कैसा मेरे को एनिमेशन चाहिए। ओ शिट, होली शिट, क्या लग रही है यार। तो चलो इसको यहाँ पे डाल के अब थोड़ी माइनिंग बाइनिंग करते है। यहाँ पे मैंने इसको लगा दी, अब ये एक्स का कमाल देखते है। ओ भाई साहब, तो भाई इसकी स्पीड बहुत ही बढ़िया है। अच्छी बात कही आप, नाइस। तो यार ओ, तो मुझे कोल और भी मिल चुका है, ये देखिए, ये हम बाहर आ चुके हैं थोड़ा बहुत। तो ये ऊपर, ओ तो सुबह हो चुकी है, नाइस, ये अच्छी बात है। तो अब मैं बाहर जा सकता हूँ, लेकिन एक बात, जो ये कोल को भूल नहीं सकते, चारकोल या कोल। चलो इसको बुझा देते बत्ती को, और ये हमारी दोनों चीजें, खास चीजें ले लेते हैं, अब छुपने का कोई फायदा नहीं। चलिए तो कोल ले लेते, कोल बहुत ही काम की चीज है भाई इस गेम के अंदर। तो न्यू रेसिपी अनलॉक, नाइस। तो ये देखिए, ये कोल है और ये चारकोल है, इन दोनों में डिफरेंट है, पता नहीं, आई डोंट नो। खोदना शुरू कर देते, तो ये बढ़िया आइटम है अभी, कोल जितना है सब कुछ लूट लो, आगे जाके काम में आने वाला है पकाने के लिए। तो इतना तो कोल काफी हो चुका है, अब मैं चलता हूँ आगे, मेरे को शिप भी ढूंढनी है, लेकिन शिप कहाँ पे मिलेगी आई डोंट नो। तो आई थिंक मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ पहले, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके के गाँव बाव दिख जाए या कोई शिप दिख जाए। ए शिप कहाँ पे, बकरी, ए बकरी कहाँ पे तू, तो मेरे को कोई बकरी या बकरा नहीं दिख रहा, लेकिन गांव भी दिख नहीं रहा, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। ओ वो क्या है, मधुमक्खी आई थिंक, वो है। तो यहाँ पे चलता हूँ, कुछ मिल जाए यहाँ पे। ये क्या है भाई, ये कुछ लावा है, और ये क्या है, मंदिर है क्या, टेम्पल जैसा कुछ, ये क्या है, मेरे पास किसी के आवाज आई, इसका पता नहीं क्या है मेरे को, लेकिन चलते आगे, इसके झंझट में रह नहीं सकते, वरना मैं मेरा बेड या रिस्पॉन्स पॉइंट सेट नहीं कर सकता हूँ। कोई भी शिप अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। बाबा रे बाबा, देवा रे देवा, दैवी प्रसाद, तू तो गया रे देवा। मेरे को ये क्या है, वो पिग मिल गए, तो पिग को मैं मार के खाना इकट्ठा करने वाला हूँ मीट। अरे रुक जा, मैं तेरे को मारने वाला हूँ, नहीं मारने वाला हूँ, रुक जा, थोड़ा सा मीट दे दे। पूरा का पूरा दे दिया, तो चलो इसको भी मार के मीट ले लेते, चलो इसको भी मार देते। अरे रुक जा तेरी तो, चलो इसको भी मार के ले लिया। और अब कोई पिग बचा है, यहाँ पे मैं ये रख लेता हूँ सगड़ा, सगड़े के ऊपर चढ़ के, नहीं भाई इसके अंदर मैं ये चूल्हा, इसके अंदर ये ऊपर ये लगा देने वाला हूँ, और नीचे ये वाले ब्लॉक, इधर वो वाला चारकोल और कोल, वो ज्यादा महंगा, इसके लिए ये सही है अभी के लिए। वो देखो काओ, चलो इसको भी मार देते हैं। आजा आजा तू आजा, चलो इसको भी, इसका भी राम नाम सत्य, चलो इसको वर्ल्ड से मुक्ति दे देते, खत्म। और अब अपनी सर्वाइवल सीरीज चालू रखते हैं, तू भी ये आजा आजा, तेरे को मैं, चलो इसको भी मुक्ति दे दी, इसको भी दे देते, आजा। तो यहाँ पे भैंसे घूम रही है, यहाँ से उसका मटन खा के मैं जिंदा रहने वाला हूँ मीट। तो चलो इसको भी मार देते, ए रुक जा रुक जा। लेकिन भाई इसको क्यों मारना है, तो छोटा बच्चा है आई थिंक, छोटी बच्ची हो क्या, तो ये आई थिंक छोटा है, चलो जाने दो, चलो तेरे को छोड़ दिया बेटा, चल जी ले अपनी जिंदगी, इतनी खुशी। तो ये हमारा मीट पका हुआ आ गया, अब ये मैं खा सकता हूँ, तो मेरी एनर्जी अभी काफी कम है, तो ये आ गई हमारी फिर से। अब तो इसको और पकाने वाला हूँ मैं, तो ये ही जलाने वाला हूँ मैं, तो ये जल जाएगा। अबे तेरे को जाने को बोला, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, मेरे को, मैं पसंद आ गया क्या तेरे को, अबे साले। कोई नहीं, चलो ये यहाँ पे रख देते, और मीट पकने वाला है, मशरूम से नीचे मशरूम्स। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ आसपास कोई और भी, मुझे यार रिस्पॉन्ड पॉइंट शेयर करने के लिए शिप भी चाहिए, उसकी भाई पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा यार, मैं तो ये दिमाग में से निकल गया था, क्या देवा रे देवा, ये क्या मिला मेरे को, फेदर नहीं अबे, ये तो बाण है, राम बाण। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है आज भी मेरे को बेड या शिप नहीं मिलने वाला है, मैं बेड क्रिएट नहीं, ओ मेरे को डैमेज, तो डैमेज पड़ा है अभी के लिए, तो मेरी हेल्थ भी दो दिल कम हो चुकी है। अब कहाँ पे जाऊँ, कुछ तो करना पड़ेगा भाई जुगाड़, बिकॉज कि अब तो शिप मिलने से रही। यहाँ पे चलता हूँ, माइनिंग कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये वुल्फ को मार के इसका ले सकते हैं क्या, क्या बोलते हैं वो, तो Three days later. चलो गाइज,
एक और दूसरी शाम तो भाई मैंने केव में गुजारी है। मेरी ये भी पिछली वाली रात तो बहुत ही बेकार रही। तो अब जाके मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले शिप ढूंढनी है, कुछ भी हो जाए तो चलते हैं। उई माँ, अबे जॉम्बी था जॉम्बी वहां पे, ओ तेरी ये तो आग लग गई इसके अंदर भाई। अरे ये क्या भाई, ये भद्दा मजाक है, वो देख रहे हो आग वाली आत्मा आ रही मेरे पीछे पड़ी है, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। शिप को मार दे क्या? ओ कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ मेरे को, ओ तेरी ये स्केलेटन। अबे यार इसने तो दो दिन ले लिए एक ही बार में। अरे मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, जल्दी 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 वो सामने वाले आइलैंड पे आई थिंक शिप होगी। मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे देख लेता हूँ ऊंची जगह पे आके मेरे को शिप भी दिख जाए या गाँव बाव दिख जाए। यहाँ पे मैं शिप को ढूंढने वाला हूँ, ठीक है? मिल जा भाई शिप, कहाँ पे तू, कहाँ पे छुपी है? तो ये रही नाइस, दो शिप है ठीक है, और तीसरी की आई थिंक मेरे को आवाज आ रही है कहाँ पे। तो चलो इसको मार के ले लेते हैं, इसका रुई निकाल लेते हैं इसकी। तो मर जाना अबे, कितनी देर लगेगी इसको मरने के अंदर। तो चलो मर गई, राम 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 राम। इसको भी मार देते हैं आई थिंक, राम 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 राम। ये भी एक ही तो अब इस रुई से मैं दो है आई थिंक, तो कितने से बनते आई थिंक बेड, पता नहीं। एक और भी ढूंढना पड़ेगा क्या? तीन चाहिए मेरे को ऐसा लगता है कम से कम। तो दो तो मिल चुकी है, इस तरफ आई थिंक एक और शिप मिल जाए। तो चलिए इस तरफ आगे बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते। ओ तो मैं आ चुका हूँ इस तरफ, ये वाले छोटे से टापू के ऊपर। अब यहाँ पे मैं ढूंढने वाला हूँ। ऑलराइट चलो उस तरफ जाया जाए। ओ कितना गहरा है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा गहरा ही है। इस तरफ आगे बढ़ते हुए मैं तो इस तरफ चलते मिल जाए आई थिंक मेरे को। अबे यार एक शिप के लिए कितना और तड़पना पड़ेगा मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उसको ढूंढना तो पड़ेगा। ये देखो ये दोनों यहाँ पे खेल रही है या एक दूसरे को मार रहे। तो चलो चलते आगे, ये क्या कुछ हुआ आई थिंक। इस तरफ आगे बढ़ते उस वाले बड़े टापू के ऊपर, तो ये किसकी आवाज थी? ओ तेरी, तो ऑक्टोपस मेरे पास है, जल्दी चलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जल्दी, मोहित जान बचानी है तो जान प्यारी है। तो चलो यहाँ से, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये खाने को आया था क्या मेरे को? तो चिकन भी दिख गया है मेरे को, ये चिल्ली पिल्ली। लेकिन शिप कहाँ पे है? वो आई थिंक वो वाले पहाड़ के ऊपर होगा, वहाँ पे चलते हैं। इस तरफ तो होनी चाहिए शिप। तो नाइस मुझे मिल चुकी है ब्लैक और वाइट भी शिप मिल चुकी है। चले तेरे की कब से राह देख रहा था, आजा आजा। तो चलिए इसको मार के मैं बेड बनाने वाला हूँ। तो ये मुझे मिल गई, पहले इसको रख देते। अब इसका ओ ये रहा बेड, तैयार बेड था ठीक है, तो तीन ही चाहिए थी। तो ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे, बेड मेरा हो चुका तैयार। ये वाला थोड़ा इधर, थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता हूँ, ये वाला इधर गेस्ट टूल। तो यहाँ पे बेड रख के मैं फिर रिस्पॉन्ड पॉइंट, यहाँ पे ये स्टव भी रख दिया। अब तो टॉर्च है, ये सब कुछ है मेरे पास, तो इसको रख के मैं मीट पकाने रखने वाला हूँ इसके ऊपर। तो चलिए ये पकड़े रख दिया, तब तक मैं कुछ और शिकार करके आता हूँ, तो मुझे थोड़ी मीट की भी ज़रूरत रहेगी। चलिए यहाँ पे पहले बेड रख देते और रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर दिया मैंने। अब चलते हैं, ये वाली ब्लैक ब्राउन शीप है, इसको भी मार देते। अरे मर जाना, क्या कर रही है? ओह नाइस, इस बार तो जल्दी मर गई। तो ये क्या घोड़े है? तो घोड़े गधे जो भी हो इसको मार के भाई मैं लेने वाला हूँ इसका मांस या मीट मटन जो भी है। अरे ये कैसे कूद कूद के जा रहा है? इसको मैं अपना पेट भी बनाने वाला हूँ आगे जाके। अरे ये इसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अरे मर ही नहीं रहा। चलो इसको मार के मेरे को ये चमड़ा मिल गया है, तो चमड़े से आई थिंक मैं मेरे वो बना सकता हूँ, क्या बोलते हैं, आर्मर के लिए सही है। चल शिप, ये शिप मर जा, मर जा कहीं पे जाके मर जा, वरना मेरे हाथ से मर जा, तेरे को मुक्ति देता हूँ मैं। और ये भी शिप रहा, तो आई थिंक सूरज ढलने वाला है। तो चलिए मैं चलता हूँ मैं अपने रिस्पॉन्ड पॉइंट पे, वरना ढल जाएगा तो भाई मेरा बेड कहाँ पे मैं आई थिंक भूल चुका हूँ, थोड़ा आगे वहाँ पे मैंने सेट किया था, चलो वहाँ पे ही चलते। तो अब सोने वाला हूँ, तो आई थिंक मेरा आज का पार्ट यहीं पे मैं ख़त्म करने वाला हूँ सीरीज़ का। मैं आपको मिलता हूँ अगले पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।